इस वीडियो में मैं आपको रामधारी गुप्ता खंड एक से प्रतिलेखन संख्या 33 की डिक्टेशन बोलने जा रहा हूं, जिसकी स्पीड है 80 शब्द प्रति मिनट। यदि आप लोगों को शॉर्ट हैंड लिखने में कहीं कोई दिक्कत आ रही है, आपकी स्पीड नहीं बन पा रही है, गलतियां दिखा रही हैं, तो आप हमारी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास सुबह शाम दोनों समय चलती हैं। चाहे आप अभी शॉर्ट हैंड सीखने के बारे में सोच रहे हों, स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हों या रिपोर्टर की, सभी के लिए ऑनलाइन क्लासों की व्यवस्था है। मेरे द्वारा तैयार की गई एडवांस आउटलाइन की बुकों को आप ले सकते हैं। बुकों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बुक खरीदने पर आपको 5 दिन की फ्री ऑनलाइन क्लास दी जाएगी। रामधारी गुप्ता खंड एक और खंड दो की किसी भी स्टूडेंट को बुकों की आवश्यकता हो तो बुक भी आपको मिल जाएंगी। अगर आपको आउटलाइन की आवश्यकता है तो आउटलाइन भी मैंने स्वयं तैयार किए हैं, वह भी आपको मिल जाएंगी। अगर आप रिकॉर्डेड वीडियो के रूप में कोर्स लेना चाहते हैं तो pcskill.in वेबसाइट से हमारी कोर्स को परचेज कर सकते हैं, वहां से भी कोर्स खरीद सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं आपको डिक्टेशन बोलने जा रहा हूं। डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार रहिए। रेडी। उपाध्यक्ष महोदय, वर्तमान वित्त अधिनियम सदन के सामने प्रस्तुत है। इस बिल पर मुझे बोलने के लिए आपने समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। इस बिल का एक विशेष महत्व इसलिए भी है कि यह संकट काल में पेश हुआ है। चीन ने हमारे देश पर हमला किया, देश पर संकट आया, राष्ट्र को चुनौती मिली और इस चुनौती को हम सब ने स्वीकार किया, जिसके लिए पैसे की आवश्यकता हुई। इसको वित्त मंत्री ने बड़ी कुशलता से देश के अंदर और देश के बाहर से जुटाया। इस बिल का महत्व तो इसलिए भी है कि हमारी पंचवर्षीय योजना के मध्य में ही यह बिल आया है। देश में बड़ी बड़ी योजनाएं अभी अधूरी हैं, जिनका पूरा होना देश के लिए बड़ा आवश्यक है। इसके लिए भी बहुत बड़ी धनराशि चाहिए। देश पर संकट आया और देश जागा। कोने कोने से लोगों ने पैसा और सोना दिया और अपने लड़के तक फौज में दिए। इस देश में किसानों और गरीबों का जो वर्ग है, उसने भी दिल खोलकर इसमें सहयोग दिया है। उसके बाद जो उन पर अधिक बोझ कर के रूप में पड़ रहा है या अनिवार्य बचत योजना के रूप में पड़ रहा है, उसको भी वे खुशी खुशी सहन करने को तैयार नहीं हैं। परंतु वे सरकार से भी कुछ चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी जो गाड़ी कमाई का पैसा है, खून पसीने का जो पैसा है, वह व्यर्थ के कार्यों में न जाए और उसका सदुपयोग हो। इसके अतिरिक्त उनकी कुछ अपनी दिक्कतें और परेशानियां हैं, जिनकी ओर सरकार का ध्यान चाहिए। इस आपातकाल के समय में तो उनको इन आए दिन की कठिनाइयों से राहत मिलनी चाहिए। ऋण लेने में और अन्य कार्यों में जो अड़चने पड़ती हैं, वे दूर की जाएं। किसान भारत की रीढ़ हैं। अगर इनको सुविधाएं दी जाएंगी तो देश आगे बढ़ेगा। पैराचेंज।
आज जहां देश के साधारण लोगों ने इस सरकार का हाथ बटाया, वहां एक वर्ग ने जो कि धनी वर्ग कहलाता है, अपने साधनों के अनुसार सरकार के सुरक्षा कार्यों में सहायता नहीं की। मैं यह नहीं कहता कि उन्होंने बिल्कुल सहायता नहीं की, लेकिन अपनी स्थिति के अनुसार सहायता नहीं की। जहाँ तक योजनाओं का संबंध है, इस देश को समृद्धशाली बनाने के लिए योजनाओं पर काफ़ी काम हो रहा है, फुल स्टॉप। दोस्तों, ये थी 80 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य भेजिएगा। यदि आप अपनी शॉर्ट हैंड की स्पीड को लेकर के परेशान हैं, आपकी स्पीड नहीं बन पा रही है, गलती आदि आ रही हैं, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप हमारी ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे आप अभी शॉर्ट हैंड सीखने के बारे में सोच रहे हों, स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हों या रिपोर्टर की, सभी के लिए हमारे ऑनलाइन क्लासों की व्यवस्था है। ऑनलाइन क्लास सुबह शाम दोनों समय चलती हैं। मेरे द्वारा तैयार की गई एडवांस आउटलाइन की बुकों को आप ले सकते हैं। बुकों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बुक खरीदने पर आपको 5 दिन की फ्री ऑनलाइन क्लास दी जाएंगी। रामधारी गुप्ता खंड 1 और खंड 2 को लिखने में यदि आपको कहीं कोई दिक्कत आ रही है, तो मैंने उनकी एडवांस आउटलाइन भी तैयार की है, उनको आप ले सकते हैं। रामधारी गुप्ता खंड 1 और खंड 2 की यदि बुक की आवश्यकता है आप लोगों को, तो वह भी आपको मिल जाएगी। घर बैठे ही शॉर्ट हैंड कोर्स करना चाहते हैं, तो रिकॉर्डेड वीडियो के रूप में आप pcskill.in वेबसाइट से हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं, वहाँ से भी आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी के लिए आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके मुझसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार से मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियो लेकर आता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।